क्या डाउनहिल है भाई, ऐसे है ऐसे। तो खैर एकदम से यहाँ पे पहुँच गया हूँ, तो आपको समझा देता हूँ कि अभी हुआ क्या है ना। एक्चुअली सुबह उठ के ना मैंने ओट्स वगैरह बनाए, कुकिंग वगैरह की, और फिर मैं वहाँ से निकल गया था जो अपना नूबरा वैली का टी पॉइंट है ना। तो अब मैं 6 किलोमीटर आगे आ गया हूँ साइकिल चला के वहाँ से। और ना अभी हमको आज अग्यम जाना है जो कि यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है। और ये ना चढ़ाई है, कम से कम 5 या 6 किलोमीटर की चढ़ाई है। आते वक्त तो बहुत मज़े से उतर गए थे, अब जाने में दिक्कत लग रही है। तो ना मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए, रात को मैं ना ढंग से सोया नहीं था, आज के लिए पिकअप लेके थोड़ा सा ये चढ़ाई चढ़ दें, क्योंकि यार आज ना सही में बॉडी थोड़ी सी ढीली है। मैं रात को ना मिल्की वे कैप्चर कर रहा था, अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो शायद आपने वो फुटेज देखी होगी, इसमें पूरा आसमान में ना मिल्की वे आपको दिखी होगी। तो ऐसी ना अब मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर रात को तारे बहुत अच्छे दिखते हैं ना, तो तारे कैप्चर करने की कोशिश करूँगा थोड़ी सी। और अभी हम थोड़ी सी मदद लेंगे, क्योंकि उसके बिना ना यार आज मुझे लग रहा है शायद दिक्कत हो जाएगी। तो हम अग्यम जाएंगे, अग्यम पूरा नहीं जाएंगे लिफ्ट लेके, हम बस ये चढ़ाई चढ़ेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद डाउनहिल हम खुद मेहनत करेंगे। प्लस प्लेन्स भी हैं आगे, तो पैडल भी हम खुद ही करेंगे। बस टाइम से पहुँचना है, आज ना हम बहुत लेट निकले हैं, यूजुअली 7:30, 8, 8:30 निकल जाते हैं, आज 12:30, 1 बज गए थे वहाँ से निकलते निकलते ही। तो सबसे बढ़िया डिसीजन शायद यही होगा कि मैं आज हेल्प ले लूँ। देखो भाई, देखो यार, अभी तक तो लिफ्ट मिली नहीं है, तो हम अपने आप ही अपने रास्ते चल दिए, और भगवान ने चाहा तो लिफ्ट मिलेगी, नहीं तो आज हम ऐसे ही पहुँचेंगे। ज़्यादा नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, बस यार थोड़ा बॉडी को रेस्ट दे देता हूँ यार, जब पता है कि अभी 1000 किलोमीटर हो सकता है और चलना हो, तो 10-20 किलोमीटर कर सकते हैं ना इधर उधर। और चलो, ये ना मैंने नए ईयरफोन्स ले लिए थे यार 2-4 दिन पहले ना, तब काम आ रहे हैं यार, म्यूज़िक थोड़ा चलता रहता है कानों में ना, तो सफ़र आसानी से कट जाता है, या तो आपको ही पता है। आज यार भगवान की कृपा थोड़ी ज़्यादा है, थैंक यू। इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ गया मैं, मज़ा आ रहा है यार, पता नहीं थकान फील ही नहीं हो रही बिल्कुल। वो देखो, ओ उधर से आया अपन, ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं, मतलब एनर्जी आया जा रही है कहीं से, पता नहीं कहां से आ रही है। चलो अभी तो कम से कम 80% रास्ता बचा है, लेट्स गो। ये बोर्ड देख रहे हो, इसका मतलब आधा रास्ता पार है, जो मुश्किल रास्ता था हो गया। अब फिर पता भी नहीं चला, आधा घंटा भी नहीं लगा होगा मेरे को, और कुछ खास थकान भी नहीं हुई अभी तो, हो सकता है बॉडी गर्म है तो पता नहीं चल रहा हो, बाद में देखेंगे। फिलहाल देखो, हम आए थे खारदुंग लास से, ठीक है, टाउन हिल मज़े करते हुए आए थे, लेकिन अब हमें इस तरफ जाना है, ठीक है। वो वाला रास्ता एक्सप्लोर हो चुका है, तुक-तुक और वो अपना पैनामिक, ठीक है। हफ्ता भर गुजारा हमने इस साइड पे, अभी हम इस साइड जा रहे हैं, पैंगोंग ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर है, लेकिन हमारी आज की डेस्टिनेशन सिर्फ 24 किलोमीटर है। हुआ मन किया तो आगे चलेंगे, नहीं तो आगम में रुक के थोड़ा सा चिल करेंगे। चलो डाउन हिल है, मज़े करते हैं। ये देख रहे हो गाइस, यही रास्ता है, वाह वाह शंभो हरिओम। भाई लोग देख रहे हो ये क्या डाउनहिल है भाई, ऐसे 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 गलत, बिल्कुल नदी के तल पे पहुंच जाएंगे हम जाते जाते। रेडी हो, 1, 2, 3। भाई भाई भाई, बहुत आराम से चलना पड़ेगा यार साला। भाई ये क्या है,
अगर मैं ब्रेक ना मारूं तो आराम से 50 की स्पीड छू दूंगा। साइकिल पे 50 की स्पीड बहुत होती है भाई लोग। ओह ओह, लाल पहाड़, वाह मजा आ गया। अगर मेरे पास लोड नहीं होता ना और साइकिल बेटर होती तो मैं और तेज आता हूँ ऊपर से। हम निकल चुके हैं पैंगोंग की ओर। ये वाली जो रोड है सीधा पैंगोंग जाती है। दिन तो लगेंगे 2-3, लेकिन हम पहुंच जाएंगे। फिलहाल ना आज मेरे को फाइनली ऐसा मौका मिल गया है कि अपना मैं ड्रोन फाइनली उड़ा पाऊँ, और एक नई चीज़ है वो भी ट्राई कर रहा हूँ, फॉलो वाला शॉट एक आध निकालूंगा। ज़्यादा टेक्निकल नहीं बोलूँगा शॉट्स में, लेकिन हाँ कुछ ड्रोन शॉट्स लेने वाला हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ। ये ड्रोन रेडी कर रहा हूँ यहाँ पे। पास के नीचे जाके ना ऊपर चढ़ना है दोबारा। गाड़ी आ रही है, अगर गाड़ी रुकेगी ना तो चढ़ा लेंगे। बाकी एक चीज़ और हो गई यार, ये टूट गया मेरा ना, जिस पे मैं अपना आप लोगों को डाउनहिल के शॉट्स देता था। कोई नहीं, इसका जुगाड़ तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। और चलो अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पास की तरफ 17 किलोमीटर बचा है अगम ना, अगम जहाँ पे आज भी रुकना है। लेकिन अगर कोई गाड़ी आ गई ना तो गाड़ी की हेल्प ले लेंगे आज, क्योंकि यार शरीर थका हुआ है। वैसे भी हमने बहुत ऊंची वाली चढ़ाई तो चढ़ी दी है, काफ़ी मज़े कर लिए आज, काफ़ी सफ़र भी हो गया 30-35 किलोमीटर। देखते हैं अभी गाड़ी रुकेगी तो भाई चैलेंज पे चैलेंज तो आ रहे हैं, लेकिन हम उनको पार भी करते जा रहे हैं। ओ उधर से ऐसे चढ़ाई थी यार, क्या चढ़ाई थी भाई, और ना फिर यहाँ पे भी। अब मेरे को ना इतना मन कर रहा है कि और ड्रोन शॉट लो, और ड्रोन शॉट लो, क्योंकि ड्रोन शॉट से ना आप लोगों को भी मैं और बढ़िया पर्सपेक्टिव दे पाऊँगा, एक नज़रिया अलग सा दे पाऊँगा ना कि भाई देखो। अभी मैं कैमरे से दिखाता हूँ आपको, इतनी चढ़ाई नहीं नज़र आती, लेकिन चढ़ाई होती है। तो ना जब ड्रोन उधर कहीं से शॉट ले रहा होगा ऐसे करके ना, तो आप लोगों को समझ आएगा और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, फील भी आएगा। पर ठीक है, आगे देखेंगे। अब तो खैर पहाड़ी रास्ते शायद हमने ख़त्म कर दिए, आगे भी थोड़े बहुत पहाड़ आएंगे तो वहाँ देखेंगे हमें ना। और अब तो मैं पक्का मेक श्योर करूँगा कि मेरे ना ड्रोन की बैटरी चार्ज हो, सब कुछ चार्ज करने का जुगाड़ बंदोबस्त कर लूँगा जैसे मेरे बस की होगी। थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, नया चार्जर एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, एक पावर बैंक भी लेना पड़ेगा। लेकिन आप लोग यार इतना सपोर्ट दे रहे हो तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना आप लोगों को अच्छा कंटेंट दूँ, अच्छा वीडियो और बेटर जितना मेरे से हो पाए उतना मैं करूँ, इसलिए मैं करूँगा, है ना। तो चलते हैं, अभी और चढ़ाई बाकी है, अभी ख़त्म थोड़ी हुई है, कम से कम 2-3 ऐसे वाले लूप्स बाकी हैं, फिर जाके डाउन हिल आएगा। ये देखो यार, ये बंद है और रोड ना बहुत बन रही है रोड। ये देखो कितने सारे लोग हैं, काम चल रहा है। राम राम, वाह मजा आ गया यार, रोड नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। और अपने आप ही सारे लोग ये करने लगे, वाह अच्छा वेलकम था, एकदम से ना मूड फ्रेश हो जाता है।
हालांकि रोड तो बिल्कुल ही नहीं है, रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ कम से कम 50 से 60 लोग काम कर रहे हैं रोड बनाने में। मुझे लगता है अगले एक महीने में ना ये लोग काफ़ी लंबा स्ट्रेच रोड का बना ही देंगे। हमें अभी भी 5 किलोमीटर जाना है अगम नाम की जगह पे। ये नहीं पता यार वहाँ पे कुछ है भी या नहीं, किसी ने मेरे को बोला है एक ब्रिज है और ना एक दुकान है, तो हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकता है उससे कम भी हो। तो ज़्यादा हो तो हमारे लिए बेटर है यार, क्योंकि ना आप देख ही लो कुछ नहीं है दूर दूर तक, और उसका मतलब हम चार्ज नहीं कर पाएंगे चीज़ें ना। पर ठीक है, जो भगवान चाहेंगे, मैं तो ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ यार, मतलब जो भी पावर है उसको सरेंडर कर देता हूँ कि आप ही कराओ जो कराओ। तो इसलिए रास्ता कट जाता है, और आप लोगों का सपोर्ट जब मैं देखता हूँ ना कमेंट्स में वगैरह वगैरह, और सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए देखता हूँ, मैं ना दिन में एक या दो दिन में एक बार ही चेक कर पाता हूँ यूट्यूब, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना और बैटरी का भी इशू होता है। तो लेकिन जब भी देखता हूँ ना मन खुश हो जाता है बिल्कुल। थैंक यू सो मच यार, अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ये देखो, ये उधर से कच्ची सड़क है और यहाँ से जाती है पक्की सड़क, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 3-4 किलोमीटर ही रहेगी आज की डेस्टिनेशन। लद्दाख में ना यार एक ख़ास मुहिम चल रही है, मतलब एक ख़ास कदम उठाया जा रहा है इस जगह को थोड़ा सा और रहने के लिए अच्छा बनाने के लिए, रहने लायक बनाने के लिए। और वो क्या है ना, अभी मैं आपको आगे जाके थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो यार ये वाले जो आप पेड़ देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ना नॉर्मली नहीं उगते हैं यार, तो इनको ना लगाया गया है। तो ये एक इनिशिएटिव है, ये एक कदम उठा रहे हैं लद्दाख के लोग और सरकार, कि ना लद्दाख के जितने भी रोड्स हैं उनके आसपास पेड़ उगाए जाएं, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली ना पेड़ आसानी से उगते नहीं हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो ये कैनाल वगैरह बना रहे हैं जिनसे ना इन पेड़ों को पानी मिलता रहेगा। देखो नदी किनारे ना, वो जो उधर नदी है ना, उधर तो आसानी से थोड़े बहुत छोटे मोटे पौधे उग जाते हैं, लेकिन ना बड़े पेड़ों को उगने के लिए यहाँ पे कभी जगह ही नहीं मिली, और यहाँ पे बड़े पेड़ नेचुरली उगते भी नहीं है, देख लो बंजर है ना। तो बेसिकली अब यहाँ पे पेड़ लगाए जा रहे हैं, और इससे क्या होगा ना 50-60 सालों में ना पूरा एरिया जितना भी रोड के आसपास का और नदी के आसपास का है वो हरा भरा हो जाएगा, उसमें ज़्यादा खेती कर पाएंगे, ज़्यादा सब्जियाँ उगेंगी, और लोग बेसिकली लोगों का ना जीना आसान हो जाएगा, और यहाँ के जीव जंतुओं का भी, है ना। तो यही था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो भाई ये है अक्यम विला एंड कैफ़े, ठीक है। अगर आप इस साइड से आते हो ना, जिस साइड से मैं आया हूँ, मतलब खारदुंग वाली साइड से, खारदुंगला वाली साइड से अगर आते हो, तो सबसे पहला कैफ़े यही पड़ता है, और इनका गेस्ट हाउस भी है। लेकिन हम तो कैंपिंग करने वाले हैं ना, और फिलहाल बिजली को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया है। हम चलेंगे 0.5 किलोमीटर और आगे, एक ब्रिज है वहाँ, ब्रिज के पास कैंपिंग करेंगे, वहाँ पे नेटवर्क भी आता है, वीडियो वगैरह भी अपलोड हो जाएगी। और बाकी अभी मैं चाय पी रहा हूँ, भैया मेरे को चाय पिला रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग भी चाय पियो, ब्रेकफास्ट करो, मैं भी पीता हूँ। तो यार ये देखो मेरे साथ यहाँ पे कौन है, मेरे साथ नहीं है, क्योंकि जब मैंने कोशिश करी थोड़ा सा पास पिलाने की तो नहीं है। तो यार मैं ना ब्रिज के पास जा रहा था नेटवर्क के लिए, जियो के मेरे को अंकल जी मिल गए, इनके पास ना एक जुले 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 आप कैसा है? मैं बढ़िया है। अच्छा, तो अंकल जी से बात करते करते एक चीज मैंने देखी, इनके पास ये रस्सी है अंकल जी, ये रस्सी है। और अंकल जी पीछे क्या है, इसके पीछे दिखाइए ना, इससे आप क्या करते हैं, वजन उठाते हैं, वजन उठा, लकड़ी वगैरह, लकड़ी, घास, घास। तो जैसे वो उधर लकड़ी पड़ी है या घास हो गई जब खेतों में निकलती है ना वो चीजें, हाँ। तो वो इससे बांध के, ये ऐसे लकड़ी का बना हुआ है, और ऐसे ढोके जा सकते हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। थैंक यू अंकल जी, झूले झूले। पूरे दिन के बाद और बहुत दिनों बाद
एक्चुअली मैं खा रहा हूँ दाल चावल, बहुत दिन हो गए यार दाल चावल खाए हुए, मतलब मेरे को लगता है 2-3 हफ्ते हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो आप लोगों ने मेरे को देखा नहीं होगा दाल चावल खाते हुए इस टूर पे। ज़्यादा चावल खाए थे मैंने, लेकिन वो पीले चावल थे। तो आज के लिए मैंने यहाँ पे ना पहाड़ी कैंप लगा लिया है। कहाँ लगाया वो तो आपको कल वाले ब्लॉग में पता चलेगा। बाकी इस ब्लॉग को यार यही एंड करता हूँ। हरि ओम, और मिलूँगा कल एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं।